हेलो फ्रेंड्स, पहले भी मैंने इसका वीडियो पार्ट वन बनाया था, अब ये है पार्ट टू। पूरा कट रहा है, ये पत्ते अलग और ये डंठल अलग। डंठल की सूखी सब्जी बनेगी फर्स्ट क्लास, जो मैं पहली बार बनाऊंगी। आधे उधर छाया आ रही, पीछे इसकी नसें निकाल देनी चाहिए पहले, और इसको उबल गर्म पानी में डाल के धो के रखो तो इसका कड़वापन चला जाता है ना। वो देखो कितनी नसें निकली हैं, ये देखो ना। अब तो फटाफट कर दिया, मैं तो बैठी रह जाती मुझे समझ नहीं आता तो छीलना क्या है। ये जो भी क्योंकि छोटे छोटे हो जाते हैं ना, पतला हो जाते हैं, ये भी काट सकते हैं। तो मैंने उन लोगों के लिए वीडियो बनाया ना जो डंठल की सब्जी बनाना चाहते हो, तो इस तरह से पतले डंठल भी मिलते हैं, मोटे भी मिलते हैं। मेरे इसमें तो हमेशा मोटे हेल्दी अरबी होती है, तो आप लोग इस तरीके से डंठल और पालक, ये पत्ते भी ना बनाए, डंठल और पालक एक साथ बना सकते हो। मैं बना के भी दिखाऊंगी आप लोगों को। ये देखो नस दिखाना, कितनी नस निकली वो साइड में, कितनी नस निकली देखो। ये जरूर काटना, नहीं तो ये बहुत मुंह में आएंगी सारे सब लोगों के। अभी इसकी कटाई स्टार्ट। अरे वाह, ऐसा स्टाइल पहली बार देखा है काटने का। तो ये काट के देखो इस तरीके से हो गई है, और पूरी काट दी थी उन्होंने मेरी कामवाली ने। और उसमें मैंने डालने के लिए लहसुन छील लिए हैं, हरी मिर्ची और ये ले लिए है, और कड़ी पत्ता ले लिया है। और ये सरसों के ऑयल में बनती है, बहुत टेस्टी होती है, तो इसलिए मैंने सरसों का ऑयल गर्म कर लिया है। और उसके बाद प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है बनाने का। तो ये पहले मैंने लहसुन ये डाला है, उसके बाद जब ये बिल्कुल लाल हो जाएगा, मुझे अच्छे से लाल करके डालने की आदत है, ताकि मेरी सुनी खुशबू भी आती है, सही से सब्जी अच्छी और टेस्टी बन जाती है। तो इसलिए मैंने इसको अच्छे से लाल कर लिया, आप भी अच्छे से लाल कर लेना, फिर बनाना उसको डंठल और इसकी सब्जी। एक दफ़े अच्छे से लाल हो गया है, बढ़िया फर्स्ट क्लास। अब उसके बाद ये अदरक इसमें डाल देना। देखने में देखो कितना लग रहा है कि पूरी थाली भरी हुई है, लेकिन जब बन जाता है तो थोड़ा सा मन लगता है। और मैंने तो चावल के साथ खाया था तो मुझे बहुत ही टेस्टी लगा था, तो ये देखिए मैं डाल दे रही हूँ इसमें। आप पत्ते अवॉइड कर सकते हैं, खाली डंठल भी बना सकते हैं, सेम प्रोसीजर है। ये पूरा मैंने कढ़ाई में डाल दिया, लेकिन मैं अभी पूरे मसाले नहीं डालूंगी, बस इसको ऐसे भून के रख देना है। सरसों का तेल, लहसुन और मिर्ची डाली है मैंने इसमें, कड़ी पत्ता डाला थोड़ा सा, इसको ढक के रख दो, थोड़ा सा ये कम हो जाएगा तब उसके बाद हमको अंदाज़ा होगा कितना मसाला डालना है। इसे 5 मिनट के लिए पहले ढक दीजिए, उसके बाद जब 5 मिनट के बाद ये थोड़ा सा निकल जाएगा, कम हो जाएगा, उसके बाद हम इसमें मसाले मिलाएंगे। ये देखिए थोड़ा सा ये कम हो गया अपना पानी, इसमें पानी डालने की ज़रूरत नहीं है, ये अपना पानी खुद छोड़ेगा। तो ये देखिए पानी छोड़ रहा है। अब इस स्टेज पर आप सारे मसाले डाल दीजिए, हल्दी, गरम, हाँ इसमें ना इसके कड़वापन को कम करने के लिए आप इसमें अमचूर या नींबू के रस का अवश्य प्रयोग करें, उससे इसका कड़वापन हो, टेस्टी भी लगेगी सब्जी आपको। तो मैंने सारे जो नॉर्मल मसाले होते हैं सभी डाल दिए हैं, थोड़ा सा अमचूर भी डाल दिया है, और नमक अब कम हो गया तो हमें नमक का अंदाज़ा हो जाता है, अदरवाइज़ तो ऐसे सब्जियों में नमक बहुत ज़्यादा हो जाता है अगर आप पहले से ही उसके अकॉर्डिंग डालें। अब ये गल गई है तो उसमें नमक का अंदाज़ा भी पता लग जाता है। ये देखिए सब मिक्स कर दिया है, फिर 5 मिनट के लिए इसको ढक के रखेंगे। इसी का खुद का ही पानी निकलेगा, बहुत जल्दी बन जाती है, फर्स्ट क्लास से, बहुत टेस्टी लगती है चावल या पराठे के साथ। फिर से 5 मिनट के लिए ढक के रख दीजिए। और इस तरीके से मतलब 5-5 मिनट बाद आप लोग चेक करते रहिएगा कि बनिए कि नहीं बनिए। तो बहुत ये देखिए अपना पानी छोड़ दिया है और गल गई है 5 मिनट के बाद, और खाने में भी बढ़िया और खुशबू बढ़िया। ये देखिए पूरा बढ़िया से तैयार हो गई है, इस टाइम पर इस स्टेज पर ये पूरी बन गई है। ग्रीन सब्जी आयरन से भरपूर, स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छी, तो आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा। और वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।